So, we had started with the chapter Organism and Population, and we had completed the introduction part. Now, moving forward, the next part in the chapter is what is habitat and what is nick. Now, talking about habitat is nothing but the dwelling place of that organism. ओके तो जहाँ पे वो ऑर्गेनिज्म रहेगा तो यहाँ पे हैबिटेट का डेफिनेशन क्लियरली दिया है. इट इज़ द प्लेस और द सेट ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस अराउंड द ऑर्गेनिज्म टू विच इट मस्ट अडेप्ट टू सर्वाइव एंड प्रॉस्पर. मतलब जहाँ पे वो रहता है उस एनवायरमेंट से वो अडेप्ट करता है. व्हाई? बिकॉज इफ इट डजेंट अडेप्ट इट इज नॉट गोइंग टू सर्वाइव. तो टू इट अडेप्ट्स टू सर्वाइव एंड टू प्रॉस्पर मतलब इट विल कंटिन्यू इट्स स्पीशीज. देन वॉट इज अ निक? तो ये निक जो टर्म है इट इज़ यूज टू डिनोट द फंक्शनल रोल प्लेड बाय एन ऑर्गेनिज्म इन दैट एनवायरनमेंट. मतलब हैबिटेट इज जस्ट वी आर स्टडिंग द प्लेस वेयर द ऑर्गेनिज्म इज स्टेइंग, बट निक इज वी स्टडी द रोल प्लेड बाय द ऑर्गेनिज्म इन दैट एनवायरनमेंट. मतलब उसका सारा इंटरेक्शंस क्या क्या है उस एनवायरनमेंट में वो जब हम स्टडी करते हैं दैट इज व्हाट इज निक. ओके, दिस वर्ड वॉज गिवन बाय जे ग्रिनल इन द ईयर 1917. देन निक में उसके वेरियस एस्पेक्ट्स इंक्लूड होते हैं जैसे उसका डाइट, शेल्टर एक्सेट्रा सब कुछ हम लोग स्टडी करेंगे. देन द नेक्स्ट पार्ट इज कि हैबिटेट में उन्होंने दिया है कि उसका खाली फिजिकल स्पेस हम लोग स्टडी करते हैं. उसमें हम लोग अदर लिविंग या नॉन लिविंग फैक्टर्स जो भी है वो भी स्टडी करेंगे उस एनवायरमेंट में जो है. पर निक में हम लोग वो ऑर्गेनिज्म उससे कैसे लिंक्ड है with the physical components like the soil, the what we say the temperature and other things, उसके साथ उसका interaction कैसा है and उसके साथ the biological environment जो है मतलब the living creatures है, the other plants, animals, microbes, उनके साथ उसका क्या link है, this is what we study in NIC. Then in they have given in colloquial language, मतलब in ordinary language या familiar way of saying it, कि habitat is just like a postal address, मतलब कहाँ पे रहता है, whereas nick is like the profession of the organism, मतलब वो क्या करता है. So you got the basic difference between habitat and nick. Now यहाँ पे उन्होंने comparative chart भी दिया है regarding habitat and nick. So distinguish between के लिए chart important है. What is a habitat? तो it is an area where the species lives and interacts with other factors and prospers. This is the basic definition of habitat. What is a nick? तो it is the concept कि how an organism lives or survives in the environmental condition. मतलब वो कैसे करेगा और ये वो कहाँ पे रहता है. Okay, so that is the basic difference. Then habitat में numerous nicks हो सकते हैं क्योंकि एक habitat में अलग अलग organisms रहते हैं. तो organism का behavior is what we study in the nick. तो एक habitat में numerous nick हो सकते हैं but nick में habitats नहीं होते हैं. ओके, देन नेक्स्ट टू दैट इज इफेक्ट हैबिटेट में इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, रेनफॉल एंड अदर अबायोटिक फैक्टर्स कैन बी कंसिडर्ड बिकॉज वो उसका एनवायरमेंट बनाते हैं. वेर एज इन निक वी कैन स्टडी द फ्लो ऑफ एनर्जी, क्योंकि फ्लो ऑफ एनर्जी तभी होगा जब वो ऑर्गेनिज्म फंक्शनल होगा. तो मतलब वो कुछ एक्टिविटी करेगा तो फ्लो ऑफ एनर्जी होएगा, वो खाएगा तो खाने से एनर्जी आएगा, वो किसी से हंट हो जाएगा तो वो एनर्जी नेक्स्ट लेवल पे ट्रांसफर होएगा. सो फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अदर, दैट इज व्हाट यू स्टडी इन द निक. देन हैबिटेट में इट सपोर्ट्स न्यूमरस स्पीशीज एट अ टाइम, वेर एज इन निक वेन यू आर स्टडिंग एट अ टाइम, निक इज रिलेटेड टू अ सिंगल स्पीशीज. देन हैबिटेट इज लाइक अ फिजिकल प्लेस, वेर एज निक इज द एक्टिविटी परफॉर्म बाय द ऑर्गेनिज्म. देन हैबिटेट इज जस्ट नॉट रिलेटेड टू स्पेसिफिक स्पीशीज, वो तो ऑलरेडी हमने बता दिया, उसमें मल्टीपल स्पीशीज इंक्लूड हो सकती है. वेर एज निक इज स्पीशीज स्पेसिफिक, एट अ टाइम हम एक स्पीशीज को पढ़ रहे हैं तो उसका पर्टिकुलर निक पढ़ते हैं. So that's related to the distinguish between. Then again हम लोग habitat और nick पे ही आगे देखते हैं. Habitat के बारे में see again and again they have repeated, it is the place या the area where the species is living. Okay, now वहाँ पे कौन से factors हम लोग study करते हैं उस जगह के? The sunlight, the average rainfall, the annual temperature, the type of soil and other abiotic या जिनको topographic factors बोलते हैं. What is topography? That is the arrangement of the non-living factors over there. The mountains, the distribution of the mountains, the distribution of soil, the water supply, everything. That is all what is, this arrangement is known as topography.
देन क्योंकि ये सारे फैक्टर्स उस ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करेंगे. दैट्स व्हाई वी नीड टू स्टडी देम, वी नीड टू अंडरस्टैंड देम, हाउ दे अफेक्ट द ऑर्गेनिज्म एंड हाउ द ऑर्गेनिज्म एडजस्ट टू देम. दिस फैक्टर्स हेल्प इन डिटरमाइनिंग द प्रेजेंस ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशीज इन दैट एनवायरनमेंट. बराबर है ना, जैसे डेजर्ट का टेम्परेचर इतना हाई रहता है तो दैट टेम्परेचर डिसाइड्स विच ऑर्गेनिज्म इज गोइंग टू सर्वाइव इन दैट एटमोसफियर एंड विच इज नॉट गोइंग टू सर्वाइव. ओके, इसीलिए वहाँ के टेम्परेचर के हिसाब से ही वहाँ के ऑर्गेनिजम्स अडेप्टेड हैं, जैसे द कैमल, द कैक्टस एक्सेट्रा. देन नेक्स्ट इज इवन द पॉन्ड, रिवर, ओशंस, मतलब द टाइप्स ऑफ वाटर, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ हैबिटाट. ओके, क्योंकि ये एक्वाटिक हैबिटाट हो जाता है. मेनी ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इन द सेम प्लेस और द हैबिटाट. आई टोल्ड यू, इन अ हैबिटाट देर आर मोर देन वन स्पीशीज ड्वेलिंग एट अ टाइम. सो वेन यू स्टडी अ हैबिटाट, टू मेनी फैक्टर्स कम इन टू कंसिडरेशन. दिस हैबिटाट्स कैन बी डिफरेंट टाइप्स. ओके, एक्वाटिक तो हमने देख लिया, पॉन्ड, रिवर, ओशंस एक्सेट्रा. लैंड में भी, टेरेस्ट्रियल में भी देर आर डिफरेंट टाइप्स. टेरेस्ट्रियल इज एक्चुअली द मेन कैटेगरी, लैंड पे रहने वाले. उसमें भी यू हैव द सब कैटेगरीज, लाइक यू कैन हैव कर्सोरियल जो एक्चुअली लैंड पे रहते हैं, आर्बोरियल जो ट्रीज के ब्रांचेस पे रहते हैं, एरियल जो हवा में उड़ेंगे. एंड तो ये टेरेस्ट्रियल में तो यू कैन हैव आर्बोरियल, कर्सोरियल, देन यू हैव डेजर्ट, ये सब टेरेस्ट्रियल में आएंगे. फिर दूसरा अलग से कैटेगरी, एक्चुअली ये इन्होंने बराबर से नहीं दिया है, बट टेरेस्ट्रियल के अंडर आर्बोरियल, कर्सोरियल, डेजर्ट ये सब आता है. एंड एरियल इज हवा में उड़ने वाला, एक्वाटिक इज वाटर. सो ये टोटली अलग अलग कैटेगरीज हैं. देन वॉट इज अ माइक्रो हैबिटाट. अभी हैबिटाट में ही वॉट इज अ माइक्रो हैबिटाट, तो द डेफिनेशन गोज लाइक दैट, द इमीजिएट सराउंडिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज रेफर्ड टू एज अ माइक्रो हैबिटाट. मतलब जहाँ पे वो ऑर्गेनिज्म रहता है दैट इज इट्स हैबिटाट, बट जो इमीजिएट कॉन्टैक्ट में उसके आता है दैट इज वॉट इज अ माइक्रो हैबिटाट. ओके, और ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सिडेंटरी या वीकली मोटाइल ऑर्गेनिजम्स. मतलब जो ज़्यादा हिलते ही नहीं हैं तो उनका हैबिटाट तो मेजर एरिया हम लोग कंसिडर नहीं कर सकते. आजू बाजू की ही चीज़ें उससे रिलेट होंगी क्योंकि वो हिलता ही नहीं है, सिडेंटरी है या वीकली मोटाइल है, बहुत ही कम मूव होता है. तो इसीलिए उस लिमिटेड रीजन को जब हम पढ़ते हैं दैट इज़ नोन एज द माइक्रो हैबिटाट विच इज़ इन इमीजिएट कॉन्टैक्ट विद दैट ऑर्गेनिज्म. माइक्रो हैबिटाट, सो आई कैन टेल यू अ फ्यू एग्जाम्पल्स ऑल्सो. कि एग्जाम्पल द फॉरेस्ट फ्लोर. अभी पूरा फॉरेस्ट एक हैबिटाट हो सकता है, बट खाली उसका फ्लोर जहाँ पे डिफरेंट माइक्रोब्स रहते हैं, तो माइक्रोब्स के लिए खाली वो फ्लोर रीजन इज देयर हैबिटाट, तो वो माइक्रो हैबिटाट हो जाता है. देन ट्रीज कैनोपीज, मतलब जो ट्रीज के झुकने से ट्रीज का बड़ा सा फैला होता है तो उसकी छाव में कुछ दूसरा पौधा उग रहा है तो उस पौधे के लिए वो ट्री कैनोपी इटसेल्फ इज ओनली दैट हैबिटेट. या एज ऑफ अ पॉन्ड, पॉन्ड में रहने वाले फिशेस बहुत सारे हैं बट एज पे रहने वाले शायद कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं, तो उन ऑर्गेनिजम्स के लिए खाली वो पूरा पॉन्ड उनका हैबिटेट नहीं है, ओनली दैट एज इज अ हैबिटेट. तो पूरे पॉन्ड में से वो छोटा सा माइक्रो हैबिटेट बन गया एज ऑफ द पॉन्ड. सो वी कैन से इट इज अ स्मॉलर हैबिटेट विद इन अ हैबिटेट. ओके, देन नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द निक. ये निक जो टर्म है फर्स्ट यूज किया था जे ग्रिनल ने, मैंने बताया. फिर इकोलॉजिकल निक इज स्टिल नॉट वेल अंडरस्टूड, उन्होंने बोला है ना. व्हाट डू यू मीन बाय इकोलॉजिकल निक? तो इकोलॉजिकल निक इज नथिंग बट वहाँ पे इस निक में यू विल स्टडी द फिजिकल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द ऑर्गेनिज्म एंड अलॉन्ग विद दैट यू विल ऑल्सो स्टडी द फंक्शनल रोल इन द कम्युनिटी बाय द ऑर्गेनिज्म. ओके, एंड द कंडीशंस ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस. तो ये सब कुछ जब हम स्टडी करते हैं कि वो कैसे एग्जिस्ट करता है, किस टाइप का एनवायरनमेंट चाहिए, किस जगह पे रहता है, वहाँ पे क्या क्या टाइप का टेम्परेचर एंड एवरीथिंग इज देयर, वी विल स्टडी एवरीथिंग प्लस वी विल स्टडी द फंक्शनल रोल कि वो क्या रोल प्ले करता है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट व्हाट वी सी अ सनफ्लावर. सनफ्लावर जिस सॉइल में रहता है वो टाइप का सॉइल हम स्टडी करेंगे, उसको कौन सा टेम्परेचर चाहिए, किस टाइम पे वो फ्लावर ओपन होता है, ब्लूम होता है, किस सीजन में ब्लूम होता है, दिस ऑल वी विल बी स्टडिंग. एट द सेम टाइम वी स्टडी व्हाट इज द रोल प्लेड बाय सनफ्लावर. इट गिव्स अ सीड, जिससे सीड ऑयल मिलता है. इट कैन गिव शेल्टर टू स्मॉलर इंसेक्ट्स. ओके, तो दिस इज वॉट इट इज प्लेइंग मल्टीपल रोल्स ना. इट इज डूइंग फोटोसिंथेसिस ऑल्सो, फूड साइकिल के लिए, एनर्जी फ्लो के लिए. तो मल्टीपल रोल जब हम इसकी स्टडी करते हैं अलॉन्ग विद द एनवायरनमेंट ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म,
So that is what is ecological nick. But still there is confusion because different scientists say different things about it. Now next part is email related to nick. So nick is can also be described as the position of the species in the environment, like what they are producers, they are consumers, or they are decomposers, whatever the position is, or what they do for their survival, ki wo kaise khana procure karte hain, or how they fulfill their needs of shelter, ki kaise ghar banate, kahan pe rehte hain, what type of food they require, etc. Jab ye sab kuch study karte, that is what is under nick. तो निक डील्स विद द फ्लो ऑफ एनर्जी ऑल्सो, क्योंकि जब वो फूड चेन में इन्वॉल्व है तो नेचुरली एनर्जी इज फ्लोइंग फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म. ओके, देन इसीलिए जरूरी है कि निक में हम लोग स्टडी करें कि व्हाट द ऑर्गेनिज्म ईट्स, वो बाकी ऑर्गेनिज्म से कैसे इंटरेक्ट करता है, किसको प्रे बनाता है, वो खुद किसका प्रे बन सकता है. ओके, और व्हाट अदर हेल्प इट कैन प्रोवाइड, किसके साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रह रहा है, देन या किसके साथ उसका कंपटीशन है. एज सून एज द निक इज लेफ्ट वेकेंट, अदर ऑर्गेनिजम्स विल फिल दैट पोजिशन. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस लाइन, कि इकोसिस्टम में या उस हैबिटेट में मल्टीपल निक्स हैं, मल्टीपल स्पीशीज है, तो उनके अपने अपने निक्स हैं. अभी एक स्पीशीज अगर एक्सटिंक्ट हो जाती है तो दैट निक इज वेकेंट, मतलब उसका रोल वेकेंट रह गया है. तो देर आर ऑलवेज अदर ऑर्गेनिजम्स विच कैन टेक अप दैट रोल. फॉर एग्जाम्पल, इफ इन अ गिवन एरिया देर इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्लांट जिसको डियर खाते हैं, लेकिन अगर वो प्लांट एक्सटिंक्ट हो गया तो उसका वो उस प्लांट का निक वेकेंट रह गया है. बट देर आर अदर प्लांट्स ऑल्सो ना जिनको डियर खा सकते हैं, तो फूड चेन विल कंटिन्यू एंड दैट निक, दैट फंक्शन विच वॉज लेफ्ट वेकेंट, इट इज फुलफिल्ड बाय सम अदर ऑर्गेनिज्म और सम अदर प्लांट. सो द निक इज स्पेसिफिक टू इट स्पीशीज. आई टोल्ड यू हर एक का अपना रोल है, विच मीन्स नो टू स्पीशीज कैन शेयर द सेम निक. दे कैन नॉट डू द एग्जैक्ट सेम रोल, बट या दे कैन श्योरली रिप्लेस वन अनदर. देन इफ द स्पीशीज क्रिएट्स इट्स ओन यूनिक निक इन एन इकोसिस्टम, इट विल बी हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग द कॉम्पिटिशन फॉर रिसोर्सेज अमंग द स्पीशीज. तो ऑब्वियस है, अगर हर एक स्पीशीज का अपना निक है, मतलब अपना रोल है, दे आर सेल्फ सफिशियंट इन ऑल, तो नेचुरली और उनको सब कुछ मिल रहा है, दे आर गेटिंग फूड, दे आर प्लेइंग देयर रोल एंड एवरीथिंग इज बैलेंस्ड, तो नेचुरली द कॉम्पिटिशन विल बी लेस. By taking an example of a bird यहाँ पे दिया है, it can be understood that birds differ in their eating habits. क्योंकि देखो एक ही जगह पे different birds रहते हैं, they all want food, but हर एक का अपना निक अलग है. मतलब क्या है, सपोज फूड रिलेटेड उनका बिहेवियर अलग है, वन बर्ड ईट्स इंसेक्ट, द अदर बर्ड इज ईटिंग ग्रेन्स, तो वो एक ही एनवायरनमेंट में, एक ही हैबिटेट में रह सकते हैं क्योंकि दोनों का निक डिफर कर रहा है. सो द कॉम्पिटिशन इज लेस अमॉन्ग देम. सो सम बर्ड्स ईट इंसेक्ट एंड सम ओनली ईट फ्रूट्स. तो नाउ सिंस बोथ कैन ईट डिफरेंट थिंग्स इन सर्वाइव, तो यहाँ पे कॉम्पिटिशन कम हो गया है. तो द बर्ड्स आर लिविंग द सेम हैबिटेट बट हैविंग देयर डिफरेंट निक्स, सो सिंस देयर डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स हैं, सो देयर सर्वाइवल इज ईजी. देन द टाइप्स ऑफ निक वी कैन टॉक अबाउट. सो तीन टाइप के निक्स होते हैं बेसिकली, दिस इज इम्पॉर्टेंट. स्पेशल या हैबिटेट निक, मतलब व्हेन आई सेड द ओवरऑल डेफिनेशन ऑफ निक, तो आई सेड वी आर स्टडिंग द ड्वेलिंग प्लेस, वी आर स्टडिंग द रोल प्लेड बाय द ऑर्गेनिज्म, एंड वी आर ऑल्सो स्टडिंग फूड चेन में वो कहाँ पे आते हैं, प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है कि डिकम्पोजर है. तो इस हिसाब से उसके तीन कैटेगरीज किए गए हैं. स्पेशल या हैबिटेट निक जो है, यहाँ पे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द ऑर्गेनिज्म, कि वो कहाँ पे रहता है, उस हैबिटेट का कौन सा एरिया उसके लिए सूटेबल है, द पॉन्ड, द लैंड और द ट्रीज और वट एवर. देन ट्रॉपिक निक क्या है, कि इट ट्रॉपिक लेवल, मतलब उसका फीडिंग लेवल फूड चेन में, कि वो प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है, कंज्यूमर में भी वो हर्बीवोर है कि कार्निवोर है कि एपेक्स कार्निवोर है, और डिकम्पोजर है. देन मल्टी डायमेंशनल या हाइपर वॉल्यूम निक जो होता है, इसमें वी विल कंसिडर द एनवायरमेंटल फैक्टर्स, मतलब उसका इंटरेक्शन विद द नॉन लिविंग एंड द लिविंग फैक्टर्स, द बायोटिक एंड नॉन बायोटिक, सबके साथ उसका इंटरेक्शन कैसा है, एंड दिस विल रिजल्ट इन अ हाइपर वॉल्यूम निक भी बोल सकते हैं, मतलब बहुत सारे रोल्स हम लोग उसके यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं. देन समटाइम्स इट इज़ डिफिकल्ट बिकॉज एक ऑर्गेनिज्म एक पर्टिकुलर रोल खाली नहीं करता है. देन
this is what we say hypervolumic, and alternatively it is the position of the organism in the environmental gradient. मतलब environment में वो उसका position बताता है कि वो कहाँ पे है, क्या कर रहा है, everything, all the roles played by it.